लॉ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। देखो भाई, इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपकी जो नोट्स आपकी किस तरीके से बनेंगे, तो ये पूरी वीडियो देख लेना, आपकी दिक्कत पूरी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने पूरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर करा हुआ है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखो भाई, जो हमारे पास लॉ है वो हमारे पास हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको रटना तो पड़ेगा पड़ेगा। रटना इन द सेंस क्या होता है भाई, आपको पूरी अपनी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी उस टॉपिक के बारे में, देन आपको उसको रटना पड़ेगा, जितने भी उसके लीगल वर्ड्स हैं वो सब आपको रटने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो किस तरीके से पढ़ना। देखो, अगर आपके पास आईसीआई मटेरियल है तो बहुत बढ़िया बात है, आप आईसीआई के मटेरियल को आपको लाइन बाय लाइन वो चीजें पता होना चाहिए कि उस लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनने वाले आपके क्वेश्चन पेपर में वो सारे आईसीआई मॉड्यूल से बनने वाले हैं, कोई सी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। आप ऐसा मत समझना कि बैक क्वेश्चन करके चला जा रहा हूँ, बैक क्वेश्चन से आएंगे, क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी आपने लाइन बाय लाइन पढ़ी है ना, कोई भी लाइन से कोई सा भी केस स्टडी क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले आपको चीज समझ में आ गई, आपको रटना पड़ेगा। कैसे रटना है, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, ये टॉपिक का थोड़ा बहुत अगर हो सके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, बहुत बढ़िया चीज है। तीसरा, अगर हो सकता है ना आपके पास, तो उस चीज को रट लो, है ना, समझ लो या फिर रट लो भाई, क्योंकि समझने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अल्टीमेट आपको आंसर कॉपी में दिखाना है, तो आपको रटना थोड़ा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि देखो नोट्स अल्टीमेट होंगे जो आपके साथी होंगे, जो आपके पेपर में टाइम में रिवाइज करवा रहे होंगे। देखो, अगर मैं नोट्स की बात करूं, आपको दो रजिस्टर खरीदने हैं, एक जो पतला सा हो, अगर आपका 100 पेज 200 पेज का होगा चलेगा, लेकिन दूसरा जो रजिस्टर है वो आपको कम से कम 400 या 300 पेज या ये इतने का तो खरीदना ही पड़ेगा। अब मैं बताता हूं, जो आपका मोटा वाला रजिस्टर है, दो जो रजिस्टर नंबर 2 है, जो 400 या 300 पेजेस का है, उसमें आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, जो आपने अभी पढ़ा, जैसे कि आपने आज टॉपिक पढ़ा कोई, उस टॉपिक के बारे में खुद याद करके लिखो, याद करके लिखोगे तभी समझ में आएगा, उस टॉपिक के बारे में लिखो, उससे आपकी रिटन राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, टॉपिक के बारे में लिखना भी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लिखना बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से रट जाएगा वो चीज। अब ये रजिस्टर में आपको डेली डेली करना है, क्योंकि ऐसी आपको चीजें रट जाएंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये रजिस्टर स्किप कर सकते हो, आप बुक से रट्टाबाजी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं, जो पहला रजिस्टर है वो भाई एकदम कंपलसरी है, वो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये रजिस्टर है ना जो पतला वाला, ये शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर। रजिस्टर शॉर्ट नोट का क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना, जब आपके फाउंडेशन के पेपर चल रहे होंगे, ये जो पेजेस का रजिस्टर है ना, वो 1.5 डे में आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि भाई सब कुछ आप रिवाइज नहीं कर सकते, और जो 1.5 दिन में आप रिवाइज कर लोगे वही आप पेपर में लिखने वाले, क्योंकि आपका अकाउंटेंसी के पेपर के बाद आप खुद देखोगे कि मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ, इसलिए आपको जल्दी से फास्ट ट्रैक रिविजन के लिए शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा काम में आएंगे। चीज समझ में आ गई, शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर कंपलसरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अभी शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर बनाओगे कैसे, कोई भी टॉपिक लो, इसका एक भी टॉपिक मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, जो आपके आईसीएम मटेरियल में कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, सारा टॉपिक आपको लिखना होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के बारे में आपको उसकी मेन मेन हाइलाइट्स लिखने पड़ेंगे, बस आपको मेन मेन हाइलाइट्स लिखने हैं, दैट इज इट। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हो, तो जो आईसीआई ने खुद अपलोड कर रखा है रिविजन मटेरियल में करके, क्विक नोट्स करके है, उसके आप रेफरेंस ले सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां से रेफरेंस लेके आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इन्हीं शॉर्ट नोट्स पे आधा डिवाइड करोगे, आधे उस पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे लीगल वर्ड्स। आज आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी चैप्टर उठाया, उसके आपको लीगल वर्ड्स लगे, उस लीगल वर्ड्स को लिख लो, और उस लीगल वर्ड्स के इंग्लिश में मीनिंग लिख लो, दैट इज इट, खत्म। आपका लीगल वर्ड्स का भी काम खत्म, शॉर्ट नोट्स का भी काम खत्म। अब जब भी आप लॉ पढ़ोगे आधे घंटे लॉ पढ़ने से पहले आप ये शॉर्ट नोट्स वाला रजिस्टर उठाओगे, और अपने जितने भी आपने नोट्स बनाए थे पहले के, उसे फटाफट फटाफट रिवाइज करोगे, और जो आपके लीगल वर्ड्स हैं उनको भी सारे एक बार देख लोगे, जिससे कि आपकी डेली डेली जब आप पढ़ोगे ना, आप अच्छी तरीके से मैपिंग कर लोगे। तो डेली डेली पढ़ना भी जरूरी है, तभी आप अच्छा कर लोगे। अगर मैं बोलूं कि भाई तेरे को आज इस बंदे का नाम याद रखना है, मैं पूछूंगा भाई आपसे, अगर 1 महीने बाद आप भूल जाओगे इस बंदे का नाम, मैं अगर एक बंदे का नाम आपको डेली 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 पूछूं ना, आपको वो हमेशा याद रहेगा। इस वजह से आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी काम आपका चल पाएगा, और डेली आपको ये शॉर्ट नोट जो पेपर जो भी रजिस्टर नंबर 1 है ना, वो आपको कंपलसरी, तो वो डेली डेली आपको रिवाइज करना है आधे घंटे पहले, तभी आप अच्छा वाला स्कोर कर पाओगे। जो नॉर्मली बच्चे डरते हैं ना, जो लॉ के पेपर में, कि मैं कैसे रिवाइज करूं 1.5 डे में, तो ये रजिस्टर आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, तो डेली आपको भी रिवाइज करना है आधे घंटे, जो भी अपने लॉ पढ़ने से पहले। अब मैं
कुछ आपको टिप्स दे दूं भाई, देखो लॉ है, अगर आपको अच्छी तरीके से और करना है तो ऐसे ही मटेरियल को बार 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 देखना पड़ेगा, अगेन रटना भी पड़ेगा। तो बार 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 देखोगे तो अपने आप ही चीजें रटे जाएंगी, एक दो बार देखने से काम नहीं चलने वाला। कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा, अब जब वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, नहीं समझ में आ दोबारा देखो, अगर कम से कम आप 10 से 15 बार ऐसे ही मटेरियल देख लोगे देन यू आर एलिजिबल टू स्कोर आई थिंक 50+ मार्क्स इन लॉ आउट ऑफ 60। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई लॉ में मार्क्स ही कटते हैं। और बीसीआर की मैं स्ट्रेटेजी दे दूं, बीसीआर इज नथिंग बट इजियर सब्जेक्ट, बीसीआर से कुछ है नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो जितने भी टॉपिक्स हैं बीसीआर के आपको नहीं आते, कुछ नहीं करो, यूट्यूब पर डालो, सीखो, कुछ नहीं होगा, डेली प्रैक्टिस करने से होगा। यार यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि चीज रट लो नहीं काम चलने वाला, क्योंकि ये पूरा ना प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी बीसीआर में उतना ज्यादा। एक यूनिकॉर्न करके चैनल है, वो वहां से आप सीख सकते हो, उन्होंने बता दिया एक छोटी वीडियो में कैसे करना है। फिर उन्होंने खुद बताया कि भाई आपको चार चार वो प्रैक्टिस करना है, ऐसे करके अगर आप डेली करोगे तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बीसीआर में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगेन बीसीआर में वही एक रजिस्टर फॉलो, दो रजिस्टर फॉलो कर लेना, एक रजिस्टर होगा जिसमें आपकी सारी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट वगैरह बने हुए होंगे, दूसरे रजिस्टर में आपकी सारी प्रैक्टिस हुई होगी, तो यही रजिस्टर है। लॉ एंड बीसीआर में वहां मार्क्स कटते हैं जहां पे अगर आप जो लीगल वर्ड्स है नहीं लिखोगे लॉ में तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो बीसीआर में आपके मार्क्स डेफिनेटली कटने वाले हैं। लॉ में अगर आप केस स्टडी याद हो सके बहुत बढ़िया बात है, वरना केस स्टडी में ज्यादा फोकस हटा के लीगल वर्ड्स पे करना, क्योंकि केस स्टडी इन द सेंस एक या दो क्वेश्चनों में पूछी जाएगी, वो भी आप आराम से मेरे सबसे भूल ही जाओगे जब पेपर लिख रहे होगे ना, एंजाइटी इतनी हो जाती है कि भूल जाते हैं। समझ गए ना आप, इस तरीके से आप लो एंड बीसीआर में अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, बिना कंसिस्टेंसी के काम नहीं चलने वाला। यही है कि चीजों को फ्लो के साथ बनाओ, चीजों को फ्लो के साथ जोड़ोगे तभी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, चीजों के साथ एक इमेज क्रिएट कर लो तभी बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज तो समझ में आ जाती है नो डाउट, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज है वो इसी मेथड से बोना स्टेप से अप्लाई होकर आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। तो इमेज बनाना शुरू करो, फ्लो चार्ट्स माइंड में बनाना शुरू करो, तभी आप लॉ में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं देखता हूँ भाई बहुत सारे बच्चे भाई इस वीडियो के नीचे भाई कोई कमेंट में रिव्यू नहीं डालते अपना, या लाइक नहीं करते, डिसलाइक नहीं करते। देखो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करो, बुरी लगती है कोई भी लगता है कि नहीं नहीं भाई तू ये कर सकता था, कमेंट सेक्शन में डालो और डिसलाइक कर दो, मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने कहीं गलती करी है। और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और वैसे भी सीए फाउंडेशन भाई कम्युनिटी है, तो मैं एक कम्युनिटी बनाने की सोच रहा हूँ, तो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये वाली ऊपर वाली वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है, जो आप रिजल्ट रिएक्शन भी देख सकते हो, जो आपको जरूर देखनी है क्योंकि इससे आप बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट होगे। नीचे वाली वीडियो है अ डे इन लाइफ ऑफ सीए एस्पिरेंट, जिससे आप और गेन मोटिवेट हो, तो एज यू वांट, सो लेट्स रॉक, हरे कृष्णा।